आइए आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में तो मैं आप सबके लिए एक स्कार्फ डिज़ाइन लेके के आया हूँ अब इस डिज़ाइन से कुछ भी बना सकती हैं तो इसे आप रेड और व्हाइट से बनाएंगी तो आप इसे क्रिसमस डे के लिए एक स्कार्फ हो जाएगा आपका बहुत ही खूबसूरत है चलिए इसे बनाना शुरू करते तो यहाँ से हम फोर प्लेम ऊन लेंगे और यहाँ हम क्रोसिया ले रहे हैं। थ्री पॉइंट फाइव एम एम क्रोसिया तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बना लेंगे यहाँ चेन में कम चेन से बता रही हूँ तो आपको इसका आपके लिए जितनी लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से इसमें चेन ले लें ले आप तो देखिए सबसे पहले ट्वेंटी एट चेन बनाएंगे हम सॉरी ट्वेंटी सिक्स चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स चेन ले लिया हमने इसमें किस इस तरह से हम लेंगे वन टू थर्ड चेन पे डालेंगे यहाँ पे टू चेन स्कीप करके थर्ड चेन पे डालना है हमें वन डबल क्रोसिया सेकंड पे डालेंगे टू डबल क्रोसिया थर्ड पे डालेंगे थ्री डबल क्रोसियाँ अब फोर्थ पे डालेंगे यहाँ पे हम डबल क्रोज से बनाएंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे तो यहाँ से व्हाइट कलर ले लेंगे हम अब देखिए यहाँ से बनाएंगे हम इस तरह से लेंगे नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे इस रेड वाले धागे को भी साथ में लेके चलना है आपको वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया और यहां पे बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे इसे हम तो देखिए इस तरह से जब दो फंदे हमारे यहाँ पे रह जाते हैं फिर यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे धागा को आगे छोड़ेंगे और यहाँ पे हम रेड कलर ले लेंगे यहाँ से इस तरह से टाइट करके बांधना है उसके बाद नेक्स्ट चेन पे डालेंगे हम फिर से वन डबल क्रोशिया नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया डालेंगे ये फोर डबल क्रोशिया लेकिन फोर डबल क्रोशिया को अनकम्प्लीट बनाएंगे यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना है हमें इसे इस तरह से दो फंदे जब रह जाएं इस रेड कलर को आगे रखेंगे धागे को फिर से हम यहाँ पे वाइट लेंगे यहाँ पे लेंगे इस तरह से फिर से इसी तरह से बनाना है हमें वन डबल क्रोसिया टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया जब फोर डबल क्रोशिया हो तब दो फंदे हम क्रोस पे ही छोड़ देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम कलर चेंज करते हुए फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे अब देखिए नेक्स्ट वाले चैन पे डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया इस तरह से जब दो फंदे रह जाए तो यहाँ से कलर चेंज करेंगे व्हाइट ले लेंगे अब यहां से फिर से हम फोर डबल क्रोशिया कर लेते हैं व्हाइट से वन टू थ्री और ये फोर फोर डबल क्रोशिया कर लिए हमने इसमें अब देखिए फोर डबल क्रोशिया अब देखिए यहाँ पे जब दो फंदे रह जाए लास्ट में तो उसके बाद हम रेड कलर से इस तरह से इसे बांध देंगे अब यहाँ से देखिए रेड कलर से यहाँ लेंगे वन टू और ये थ्री अब जहाँ वाइट बना हुआ वहाँ पे हम रेड बनाएंगे और जहाँ रेड है वहाँ पे हम वाइट बनाएंगे तो इस तरह से हम घुमा लेंगे इसे और ये जो वाइट कलर का धागा इसे हम ऊपर ले जाएंगे इस तरह से अब देखिए तो पहला चेन में हम पहला डबल क्रोशिया क्रोसिया चेन जो हमने बनाया पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे अब सेकंड वाले पे डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वन डबल क्रोशिया वन वन चेन टू डबल क्रोशिया हो गया थर्ड में डालेंगे साथ में ये व्हाइट वाला धागा भी लेते चलना है आपको तो यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया हो गया अब देखिए फिर से यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर हमारे फोर डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे इस तरह से ये धागे को इधर छोड़ देंगे रेड वाले को और फिर से हम वाइट पकड़ लेंगे अब देखिए नेक्स्ट में डालेंगे रेड वाले पे तो वन डबल क्रोशिया नेक्स्ट पे डालेंगे टू डबल क्रोशिया फिर से नेक्स्ट में डालेंगे थ्री डबल क्रोशिया नेक्स्ट में डालेंगे फोर डबल क्रोशिया इस तरह से लेकिन यहाँ पूरा नहीं करेंगे एक कलर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे इसी तरह से देखिए करते हुए जाना है हमें वन टू फिर यहाँ पे डालेंगे थ्री डबल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे फोर डबल क्रोशिया यानी चार चार डबल क्रोशिया करना तीन डबल क्रोशिया पूरा बनाना है चौथा डबल क्रोशिया अधूरा बनाएंगे क्योंकि हमें कलर चेंज करना है इसलिए ये धागा इधर छोड़ देंगे फिर से व्हाइट पकड़ेंगे और व्हाइट से फिर से हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे वाइट धागे को ज्वाइंट किया हमने अब यहाँ पे लेंगे फिर से यहाँ पे हम वन यहाँ पे डालेंगे टू थ्री यहाँ डालेंगे फोर अभी यहाँ कलर चेंज करेंगे दो फंदे यहाँ रखेंगे अब यहाँ पे कलर चेंज करेंगे हम इस तरह से इसे छोड़ेंगे और रेड कलर पकड़ लेंगे ऐसे लिए हमने यहाँ पे डालेंगे फिर से देखिए तो एक बार और कलर चेंज करते हुए मैं दिखा देती हूँ आपको फिर इसी तरह से आप जितना बड़ा चाहे आप इसे बना सकती हैं आप अपने अनुसार अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती तो करे, है, है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आप लोग ना वीडियो को लाइक करते ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें सब्सक्राइब किया करें और फ्रेंड में इसे शेयर भी किया करें आप लोग तो देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे कलर चेंज करते हुए देखिए ये कलर पकड़ लेंगे हम इस तरह से तो वाइट लिया हमने यहाँ पे भी इसी तरह से बना लेंगे फोर डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया सेकंड में डालेंगे टू डबल क्रोशिया थर्ड में डालेंगे थ्री डबल क्रोशिया फोर्थ में डालेंगे डबल क्रोशिया तो यहाँ पे हम ये धागा जो है ऊपर ले जाना है तो इसे हम जो व्हाइट कलर का धागा उधर ही छोड़ देंगे अब इधर नहीं लाना हमें इस तरह से लेंगे इसे ऐसे जॉइंट करना फिर यहाँ से वन टू थ्री चेन लेंगे अब यहाँ पे देखिए रेड बनेगी वाइट फिर रेड वाइट रेड वाइट इस तरह से करते हुए कंप्लीट करेंगे तो देखिए मैंने बना के रखा हूँ मैं आपको दिखाती हूँ तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है स्क्वायर डिज़ाइन में तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू